सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक कैट की आई, और आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से किसी भी एनिमल की आई ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, कैट की आई के आउटर एरिया में पूरा ब्लैक पार्ट है, कंप्लीट ब्लैक, तो उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फेबर कैस्टल के 6B पेंसिल से, क्योंकि काफ़ी डार्क आती है। सो गाइस, वैसे तो इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक कैट की आई, लेकिन आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी दूसरे एनिमल की भी आई किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से वो टेक्सचर दे सकते हैं आई के अंदर का, रफ, स्मूथ, किसी भी तरह का। सो गाइस, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ फेबर कैस्टल की 8B पेंसिल, जो कि 6B पेंसिल से भी ज़्यादा डार्क आती है। सो गाइस, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आई का वो एरिया जो कि मुझे पूरा कंप्लीट वाइट ही छोड़ना है, उसमें कोई भी हाइलाइट वगैरह कुछ नहीं होगा। वैसे गाइस, आई चाहे ह्यूमन बींग की हो या किसी एनिमल की हो, उसमें वाइट एरिया छोड़ने का ये फ़ायदा है, उससे आई पे एक शाइनी इफेक्ट पड़ता है और आई काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आई के अंदर वाला पार्ट, वो भी बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम भी डार्क है, तो उसे भी मैं बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम भी डार्क ही करने वाला हूँ। सो गाइस, मैं डार्क एरिया तो कवर कर चुका हूँ पूरा। अभी मैं जो मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी एक शाइनी इफेक्ट के लिए, उसके आजू बाजू में मैं एक मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 0.5 की। मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि अगर मैं भी यहाँ 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा तो वहाँ पे प्रॉपर एक लाइन नहीं आएगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मैंने लाइन ड्रॉ के बीच में भी कि दूसरी सेकंड लाइन ड्रॉ की, तो इस तरह की प्रॉपर एक लाइन नहीं आ पाएगी। सो गाइस, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आई के अंदर वाला पार्ट, जो कि हमें काफ़ी पेशेंस रख के बनाना होगा, क्योंकि ये पार्ट ही मैटर करता है आई कितनी रियलिस्टिक दिखेगी और कितनी नहीं। सो गाइस, अभी मैं एक लेयर बना रहा हूँ एक 0.7 के पेंसिल से, क्योंकि आई के अंदर हाइलाइट्स तो होंगे, पूरी आँख में तो नहीं होंगे, खाली कोई कोई पार्ट में होंगे, तो उसके अलावा जो पीछे का जो पार्ट है वो सिर्फ नॉर्मल ऐसा ही रहेगा। सो गाइस, एक लेयर बनाने के बाद मैं इसे ब्लेंड भी करूँगा, लेकिन एकदम परफेक्ट स्मूथ ब्लेंड नहीं करूँगा, हल्का सा रफ ही रखूँगा। सो गाइस, आपको भी अपने रेफरेंस फोटोग्राफ को परफेक्टली ऑब्जर्व करना है, उसके बाद कुछ भी ड्रॉ करना है। सो गाइस, इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आई के अंदर जो हाइलाइट्स है वो डार्क है या लाइट है या और कहाँ कहाँ पे है, आपको ये भी बहुत परफेक्टली ऑब्जर्व करना होगा, तभी आप एक रियलिस्टिक इफेक्ट दे पाएंगे। अभी हाइलाइट्स ड्रॉ करने के बाद इसे मैं ब्लेंड भी कर रहा हूँ कॉटन बर्ड्स की मदद से, लेकिन इसे मैं कंप्लीट पूरा एकदम स्मूथ ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा इसको रफ सरफेस ही दे रहा हूँ, क्योंकि आई के अंदर का जो टेक्सचर है वो हल्का सा रफ है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं कितना स्लोली ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि पेशेंस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ड्रॉइंग के मामले में। तो गाइस, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक आई कंप्लीट करने में लगभग 25-30 मिनट्स लगे थे। मैं कोई भी ड्राइंग कभी भी जल्दबाजी में नहीं करता, चाहे भले ही उसमें कितना भी टाइम लग जाए, 4 दिन, 5 दिन, 15 घंटे, 20 घंटे। और गाइस, आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये सिर्फ आइस के लिए नहीं, आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हो तो उसमें आप हमेशा लाइट टू डार्क जाओ, क्योंकि आप लाइट से डार्क कोई भी चीज़ कर सकते हो, लेकिन डार्क करने के बाद उसे लाइट करना थोड़ा मुश्किल है। सो गाइस, आई के अंदर आपको शेड कर लेना है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स है वहाँ पे आपको रबड़ की मदद से उसे हाईलाइट कर लेना है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप हाईलाइट्स के लिए टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करें, आप किसी बड़े रबड़ को एकदम पतले पॉइंट पर काट के भी उससे हाईलाइट कर सकते हैं।
उससे भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं जो कि मैं ट्राई करता हूँ। वैसे गाइस आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल हल्की सी हॉरिजॉन्टली पकड़ी है ताकि टेक्सचर हल्का सा रफ आए और हल्का सा लाइट भी आए। अभी गाइस आई के अंदर जो माइनर से हाईलाइट से उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 0.7 के मैकेनिकल पेंसिल से। वैसे गाइस आपको अभी आई के अंदर एक रियलिस्टिक इफेक्ट नज़र आ रहा होगा और वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि मैंने ऊपर जो वो आपको 3 बॉक्स दिख रहे होंगे आई के अंदर वो जो स्पेस छोड़ी है उसके वजह से। वैसे गाइस मैंने पूरी आई इसी तरह शेड की है पेंसिल को हॉरिजॉन्टली पकड़ के ताकि जो छोटी मोटी जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स है वो जल्दी ड्रॉ हो पाए। तो गाइस वैसे तो मैं ड्रॉ कर रहा था एक कैट लेकिन सोचा क्यों ना एक ट्यूटोरियल वीडियो भी दिया जाए आई के ऊपर। सो कैट का पूरा वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पे, सो आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस अभी बस आई कंप्लीट ही होने वाली है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और इस कैट का पूरा वीडियो देखना ना भूलें मेरे चैनल पे अंकित मालवीय आर्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।